हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो भाई मेरा नाम है मेहनू देसी टेक्निकल, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम अंदर एक ट्यूबलाइट 12 वोल्ट की होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। बेकार ट्यूबलाइट के बनाई हुई न्यू ट्यूबलाइट बहुत अच्छी होने वाली है। और दोस्तों पूरी वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप फुल कनेक्शन बता रखे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर लो, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलो चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक ट्यूबलाइट। ये बेकार ट्यूबलाइट पड़ी थी मेरे पास, इसकी मैं दिवाली लाइट बनाने वाला हूँ। दिवाली लाइट भी कह सकते हो आप इसे लगा सकते हो अगर डेकोरेशन वगैरह करते हो आप। ये मेरे घर में ट्यूबलाइट पड़ी थी बेकार सी, अगर आपको अपने घर में मिल जाती है तो बना सकते हो आप, वरना जो बैटन होता है दोस्तों केसिंग बिट जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रो जो वायर कवर करने के लिए वो वायर कवर करते हैं जिससे हम घर में वो यूज कर सकते हो। मैं एक ट्यूबलाइट यूज कर रहा हूँ, इसके हम कलर एक येलो कलर की आरजीबी स्ट्रिप लाइट होती है, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों आरजीबी ये लाइट है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगी आसानी से। मेरे को 110 रुपए पड़ी है, मेरे पे आधी पड़ी है, तो पूरी लेके आया था मैं 110 रुपए की, तो आनी पड़ी थी मेरे पे। और ये मेरे को अपने घर पे मिल गई थी जब हमने नई ट्यूबलाइट लगवाई थी, इसलिए हमने उतरवा दी थी और अपने घर पे रखी हुई थी दोस्तों। इसलिए मैं सोचा इसको गिरने से अच्छा एक आपके लिए प्रोजेक्ट बना दिया जाए। इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। कल कह रहा हूँ दोस्तों, जब भी हमारी जब भी कोई भी वीडियो आती है तो एक दिन तो मैंने दो बार वीडियो भी डाली थी दोस्तों। प्लीज यार इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। पूरी वीडियो देखना, फुल कनेक्शन समझाऊंगा। इसके बाद जो चीजें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमें चाहिए एमडीएफ बोर्ड। हाँ जी भाई, एमडीएफ बोर्ड तो हर प्रोजेक्ट में ज्यादा यूज ही आते हैं, इसलिए हमें एमडीएफ बोर्ड भी चाहिए दोस्तों। मैं आपको सेंटीमीटर बता दूं, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे बटन लगेगा, एक अच्छी तरह बढ़िया से ट्यूबलाइट बनाने वाले हैं, इसलिए हम बटन भी यूज करेंगे। ये दो पीस और ये इसमें एक होल कर दिया है और यहाँ पे भी होल करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मैं इसके सेंटीमीटर बता देता हूँ आपको दोस्तों। 5.9 सेंटीमीटर ही पड़ जाएंगे दोस्तों, लगा के 6। और ये जो सेंटीमीटर इसके हैं 11 सेंटीमीटर की है, ये भी दोस्तों 11 सेंटीमीटर की है। और यहां से बता दूं तो 2.5 सेंटीमीटर की है, और ये दोस्तों कम से कम 5.8 सेंटीमीटर की है दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका बना लेंगे हम बॉक्स। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। इसको रख देते हैं साइड में जहां पे बटन लगेगा दोस्तों। इसका हमें जरूरत है, ये ऐसे बन जाएगा बॉक्स इसका। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छी तरह एक बढ़िया सा आइडिया दोस्तों। और जो ये ट्यूबलाइट है ना दोस्तों, इसकी सारे कंपोनेंट्स वगैरह निकाल रखे हैं मैंने, जो भी इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करेंगे। ये देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स मैं इसको अपने पास रखा हूँ दोस्तों, बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स पड़े हैं, ये यूज आ जाते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स में। इसके अंदर से ये निकला, सब कुछ निकाल दिया मैंने दोस्तों, क्योंकि हमें एक अपनी बढ़िया सी ट्यूबलाइट बनानी है, बड़ी कलर वाली एकदम। हम इसका बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बनाना है। ये दोस्तों हमने ले ली है ग्लू गन, इस तरह से दोस्तों हम इसको जोड़ लेंगे। और दोस्तों अगर आप पूछते हो एमडीएफ बोर्ड कहाँ मिलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमें हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाते हैं और प्लाईवुड की शॉप पे मिल जाते हैं बिल्कुल आसानी से दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम इसका बॉक्स बना लेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस है ये, इसे हम काट देंगे।
इस तरह से तो बिल्कुल इजी है बचना, कुछ ऐसा खास नहीं है, इसको भी इस तरह से जोड़ देना। दोस्तों हम लेंगे एक बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया एकदम बटन, नायलो कंपनी का ही है बटन लेंगे, और साथ साथ दोस्तों हम लेंगे ये पेंच, इसके साथ मिल जाते हैं दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने ये काटा है बटन का, वहाँ पे बटन डाल देते हैं। पहले हम दोनों साइड कर लेते हैं, ये पेंच लगा लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर रखा है दोस्तों मैंने, जिसे आपको अच्छी तरह पता भी लग जाए और दिख भी जाए दोस्तों। फिर इसके साथ हम ये लगा देंगे, अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो लाइट हमें देख रहे कितनी हमें चाहिए, जैसे दोस्तों हमें इसको इस तरह से देख के करना है, जितनी चाहिए दोस्तों उतनी हम ले लेंगे। फिर उसके बाद हमें सोल्डरिंग कर देंगे, हमें इतनी चाहिए दोस्तों इतनी से यहाँ से काट देंगे। और दोस्तों अगर आप भी बनाते हो और आपके पास ये लाइट है, यहाँ से हमें काटना होता है दोस्तों। हम कर देते हैं सोल्डरिंग, जितनी हमें लाइट चाहिए उतनी हमने ले ली है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेप लगा दी, जिससे बार बार ही ले ली ले लेते हैं बढ़िया क्वालिटी की वायर, ये देख सकते हैं। और कर देते हैं हम इस पर सोल्डरिंग, पहले दोस्तों इसके ऊपर ये लगा देते हैं सोल्डर। देख सकते हैं हमने लगा दी है, आप कोई सी भी लगा सकते हो। अगर हम ब्लैक वायर, ब्लैक वाली वायर लेते हैं और रेड वाली वायर लेते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है इसकी दोस्तों। हम देख के कनेक्ट कर देंगे, तो अगर ब्लैक वाली वायर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है माइनस की है वो, इसलिए हमने दोनों रेड कलर की ली है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी ये वाली वायर माइनस लगी कौन सी प्लस लगी है। हम टेप उतार देंगे और ये देख सकते हैं इसकी सोल्डरिंग कितनी बढ़िया हुई है दोस्तों। हम इस तरह से अब हम लगा लेते हैं बटन के ऊपर वायर, ये दोस्तों हमने ले ली है वायर। अब हम लगा देते हैं दोस्तों दोस्तों। हमने ले लिया 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर, हमने क्या करा है दोस्तों, बटन जो वायर थी और जो ट्रांसफॉर्मर की वायर थी वो हमने इस तरह से निकाल दिए, दो होल हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये जो है ये ट्रांसफॉर्मर की वायर है और ये जो है ये बटन की वायर है। मैंने दोस्तों इसलिए निकाली क्योंकि दोस्तों बार बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने अभी निकाल दी थी। इस तरह से दोस्तों हमने वायर निकाल दी है, ये देख सकते हैं आप ये वायर इस तरह से हमने निकाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम
दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो वायर है ये वाली, ये अलग वायर है दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर की है और ये जो है ये बटन की है दोस्तों। मैंने वायर लंबी करी थी इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और वहाँ थोड़ी सी वायर है हमने लंबी करी थी इसलिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। जो बटन की रेड वाली वायर है हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो बटन की ब्लैक वाली वायर है ये भी वायर है बटन की और ये है ट्रांसफॉर्मर की, हम यहाँ ब्लैक कलर लगा देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा देंगे, कुछ कनेक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ब्लैक टेप अच्छी तरह लगा देंगे, इसको अंदर डाल देंगे और ये जो वायर है इसी तरह लाइट में लगेगी, जो आरजीबी लाइट मैंने आपको ये भी दिखाई थी यहाँ पे लगेगी। दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो लाइट है, लाइट है दोस्तों जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीछे की चिपकन है ना दोस्तों उतर चुकी है, पर इसका भी इलाज हम उनके पास है दोस्तों, जो कि टेप होती है दोस्तों ट्रांसपेरेंट, वो हम यहाँ पे लगा देंगे, वही सारी लाइट इस तरह से लगा देंगे दोस्तों। मैं आपको बता नहीं रहा किस मीन दिखा नहीं रहा किस तरह से लगाएंगे दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम ऐसे लगा देंगे, टेप लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से दोस्तों हमने लाइट लगा ली है, अब आपको ये दिखाना था कैसे मैं बहुत हल्का लाइट हमें इस तरह से लगा ली ट्रांसपेरेंट। अब सबसे मेन काम है इस चीज़ का, हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा होता है ये नट, हमने एक खोल लिया है, इसको हम निकाल देंगे दोस्तों। यहाँ पे जो नट लगा होता है वहां से हमने होल कर दिया बड़े वाला, क्योंकि दोस्तों हम यहां से निकाल लेंगे वायर, मैं आपको बता देता हूं किस तरह से निकाल लेंगे। ये जो है ना दोस्तों हमने इस तरह से इसमें से वायर निकाल ली और सारी निकाल लेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हम इसको वापिस लगा देंगे दोस्तों यहाँ पे। इस तरह से दोस्तों पहले अच्छी तरह कुछ प्रॉब्लम आ रही है पर इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको चला के दिखा दूंगा ऊपर का जो इसका होता है दोस्तों ये, और ये लगा देते हैं इस तरह से, हमने ये लगा दिया है और अगर निकलता है ना दोस्तों तो थोड़ा तो यहाँ से फेविक्विक लगा देना दोस्तों यहाँ पे, इसे निकल लेना दोस्तों। सब कुछ हो चुका है, ये जो बटन की मतलब बटन और ट्रांसफॉर्मर की आपके सामने वायर जोड़ दी थी, दो वायर बनी है इसकी ब्लैक और रेड, और दोस्तों इसमें हम पता तो लगा नहीं सकते कि प्लस माइनस कौन सा है, वो भी बता देते हैं HW की बैटरी है 9 वोल्ट की, इसमें हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि इसमें हम थोड़ी सी जल रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये जो है ये माइनस की है ये वाली दोस्तों, ये माइनस की हो जाएगी, फिर हम इसको यहाँ लगा देंगे दोस्तों। और ये दोस्तों ये प्लस की होगी, इसको हम यहाँ लगा देंगे, फिर दोस्तों इसके ऊपर हम ब्लैक टेप वगैरह लगा देंगे। फिर दोस्तों में से एक बात ये भी है, बिल्कुल न्यू आइडिया है, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कुछ ऐसा वैसा मिलेगा दोस्तों जो हमने बनाया है बिल्कुल बढ़िया है यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं उसको चला के दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने ट्यूबलाइट ऊपर लगा दी है कैसे भी करके, जुगाड़ जुगड़ लगा के हमने ऊपर लगा दी है, ये जो वायर है ये नीचे आती है, ये देख सकते हैं आप, ये दिवाली में तो आप यूज कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। और ये हमने ट्रांसफॉर्मर हमने लगा दिया है, देख सकते हैं, बटन ऑन ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगी, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी। और एक और बात इसकी ये है, ये देख सकते हैं ये बटन नेक्स्ट लगा रखे बंद और चालू दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और जहां पर मैं सामान यहाँ पे बनाता हूँ तो वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी दे रही है ये, आप ये दिवाली पे तो यूज कर सकते हो डेकोरेशन के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।